हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शहीद भगत सिंह कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम सीखेंगे पेंट ट्यूटोरियल, या पेंट क्या है, पेंट कैसे चलाएं। तो सबसे पहले पेंट को ओपन करेंगे। पेंट ओपन करने के बाद में पेंट क्या है, व्हाट इज पेंट। पेंट एक ग्राफिक बेसिक ग्राफिक पेंटिंग एडिटर प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ इंक्लूड होता है। पेंट जो है हमारा एक बेसिक ग्राफिक पेंटिंग एडिटर प्रोग्राम है जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट या एमएस विंडो के साथ इंक्लूड होता है। आप पेंट से अपनी मेंटल इमेज फ्रेम कर सकते हैं या पेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास आर्टिक कुशलता है तो अपने घर या कार्यालय कॉलेज में या अन्य डिजाइनों चित्र पेंट में बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टाइटल बार क्या है। ये आपका टाइटल बार है जहाँ पे अनटाइटल पेंट लिखा हुआ है। जब तक हम यहाँ पे फाइल का नाम सेव नहीं करते हैं तब तक यहाँ पे अनटाइटल लिखता है, और जब यहाँ पे फाइल का नाम सेव कर देते हैं तो यहाँ फाइल का नाम लिखता है। टाइटल बार यह एमएस पेंट विंडो का सबसे ऊपरी भाग होता है। यहाँ आपके फाइल का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक यहाँ कुछ टूल्स होते हैं जो काम करने को आसान बनाते हैं। जैसे हमको फाइल पे जाना है तो हम डायरेक्ट यहीं से ओपन में चले जाएंगे, न्यू में चले जाएंगे, हमको फाइल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं से डायरेक्ट चले जाएंगे जहाँ पे जाना है। ये हमारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार के। एम एस पेंट बटन क्विक एक्सेस टूल बार के ठीक नीचे होता है। ये जो हमारा एम एस एक्सेस क्विक बार है इसके ठीक नीचे होता है पेंट बटन। ये हमारा पेंट बटन है। पेंट बटन में कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, सेंड इन ईमेल, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, सेटेज, डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज, अबाउट पेंट, एग्जिट। कई प्रकार के हमारे इसमें ऑप्शंस होते हैं। रिबन, ये आपका रिबन है, ये आपका पूरा रिबन है। ये रिबन टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। ये जो टाइटल बार है इसके ठीक नीचे आपका रिबन होता है। यहाँ एक पट्टी है जिसमें पेंट प्रोग्राम, ड्राइंग और काम करने के लिए दिए गए टूल्स होते हैं। ये जो है हमारे इसमें रिबन के अंदर टूल्स होते हैं जिससे हम पेंट बनाते हैं, पेंट का चित्र बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग एरिया, ये आपकी जितना वाइट एरिया दिख रही है ये आपकी ड्राइंग एरिया है। ड्राइंग एरिया में एमएस पेंट में ड्राइंग एरिया वह क्षेत्र होता है जहां आप ड्राइंग करते हैं। कैनवस भी, इसको कैनवस भी कहा जाता है, इसको हम लोग कैनवस भी कहते हैं। स्क्रॉल बार जो होता है, या पेंट विंडो में दो स्क्रॉल बार होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। या एरिया के डाउन साइड तथा राइट साइड में होता है, या पेज को ऊपर नीचे या दाएं बाएं करने के लिए या स्क्रॉल करने के लिए काम में आता है। स्टेटस बार आपका यह स्टेटस बार है जिसमें आपका पेज से जुड़े हुए स्टेटस में दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका पेज की कितनी साइज है, कितना रेजोल्यूशन है, कितना पिक्सल है, कितना जूमिंग है। फाइल में जाएंगे, फाइल में न्यू की शॉर्ट की कंट्रोल एन है। नया डॉक्यूमेंट या नया पेज लेने के लिए न्यू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल एन है। न्यू पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एन करेंगे कीबोर्ड से तो आपका नया पेज आ जाएगा। फिर उसके बाद में ओपन, पहले से सुरक्षित की गई फाइल को देखने के लिए, पहले से सेव की गई फाइल को देखने के लिए ओपन का प्रयोग करते हैं जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल ओ है। ये सब पहले से चित्र बनाए गए हैं, इनको हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद में सेव है, जैसे कोई हमने एक नया पेज लेने के बाद उसमें कोई चित्र हमने ड्रॉ किया, इसको आप सेव करना चाहते हैं तो सेव करने की शॉर्ट की कंट्रोल एस है, या हम सेव पर क्लिक करेंगे। दो में से एक काम करेंगे, या शॉर्ट की यूज करेंगे या फिर उस पर क्लिक करेंगे। आप जिस आप फाइल में सेव करना चाहते हैं, जिस ऑप्शन में सेव करना चाहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे। फाइल का नाम डालेंगे जिस नाम से फाइल को सेव करना चाहते हैं, सेव कर देंगे, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ओपन से हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए ओपन से हम चेक कर सकते हैं, आपने सेव कर दिया है। सेव एस, एक फाइल को कई नाम से सेव करने के लिए सेव एस का प्रयोग करते हैं। सेव एस की शॉर्ट की अल्टर एफ प्लस है, या दूसरी शॉर्ट की F12 है। क्लिक करेंगे यहाँ, जैसे एक पहला नाम योग है, दूसरा नाम के नाम से सेव करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे और टाइटल बार में भी नाम चेंज हो जाता है जो फाइल ओपन होगी। सेटेज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसको बैकग्राउंड या डेस्कटॉप जैसे हम लोग वॉलपेपर फोन में लगाते हैं वैसे इसको लगाने के लिए सेटेज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का प्रयोग करेंगे।
मैटर ओपन किए गए मैटर को प्रिंट करने के लिए या ओपन किए गए चित्र को प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। यहाँ से मैटर हम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, नहीं करना है तो कैंसिल कर देंगे। प्रॉपर्टीज, यहाँ चित्र की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, जो भी आपके ऑप्शन चित्र की पूरी डिटेल है, इमेज प्रॉपर्टीज बोलते हैं उसको। जैसे कि लास्ट टाइम हमने कब सेव किया, साइज कितनी है, रेजोल्यूशन कितना है, कलर में है या ब्लैक एंड व्हाइट में है, इंच में है, यूनिट्स जो है इंच में है, पिक्सल में है, ये चेक कर सकते हैं आसानी से। अबाउट पेंट, पेंट सॉफ्टवेयर का जो वर्जन है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल किया। एग्जिट पे क्लिक करेंगे, एग्जिट की शॉर्ट की अल्टर F4 है, एग्जिट पे क्लिक करेंगे आपका ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। कॉपी, कॉपी का ऑप्शन हमें बंद होता है जब तक इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक कॉपी का ऑप्शन नहीं खुलेगा। सेलेक्ट पे जाएंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की मदद से या फ्री फ्रॉम सिलेक्शन की मदद से या सेलेक्ट आल करके इसको चित्र को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट आल से आपका पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा, रेक्टेंगुलर या फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से आप जितना खींचेंगे सिलेक्शन उतना ही सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट शेप्स की कॉपी कर सकते हैं, जितना हम सेलेक्ट करेंगे उसको कॉपी करने के लिए और या उसकी नकल करने के लिए कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या उसकी शॉर्टकट कंट्रोल सी का प्रयोग करेंगे। पेस्ट, कॉपी किए गए मैटर को दोहराने के लिए या कॉपी करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए पेस्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। पेस्ट की शॉर्टकट कंट्रोल वी है। अब जैसे नीचे का चित्र बंद हो रहा है वाइट बैकग्राउंड से, तो इसको सिलेक्शन के डॉट पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को चेक कर देंगे, आपके दोनों दिखेंगे, नीचे का चित्र भी दिखेगा यानी कि पहले वाला चित्र भी दिखेगा और बाद वाला भी, जितने पेस्ट करेंगे सब दिखेंगे। कट, सेलेक्ट किए गए मैटर को या सेलेक्ट किए गए भाग को हटाने के लिए कट का प्रयोग करते हैं। कट की शॉर्ट की कंट्रोल एक्स है। इमेज ग्रुप, इमेज ग्रुप में रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, किसी शेप को आयताकार आकृति में सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा शेप है इसको हम एक आयताकार में सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन इसके द्वारा किसी शेप्स को इच्छा अनुसार आकृति में सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको हम अपनी इच्छा अनुसार आकृति में सेलेक्ट कर सकते हैं, हम जैसा चाहते हैं ऐसा ऐसा करके, ऐसे ऐसे करके हम इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे करके सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट आल, इसी में सेलेक्ट आल ऑप्शन है। सेलेक्ट आल से पूरे इमेज को सेलेक्ट, इस कमांड का उपयोग किया जाता है, पूरे चित्र को एक बार में सबको पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए या सेलेक्ट आल ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद है इन्वर्ट सिलेक्शन, किसी को सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट किए गए स्थान को रिजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी सेलेक्ट किया था यहाँ से सेलेक्ट आल किया, हटाना तो रिजेक्ट कर देंगे इन्वर्स सिलेक्शन से। डिलीट, डिलीट जैसे किसी चित्र को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट पे जाएंगे, यहाँ से डिलीट कर, जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ही डिलीट होगा। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, सबसे लास्ट में ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इस पर चेक किया है। सेलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड कलर को पारदर्शी बनाने के लिए टिक करें और अपारदर्शी बनाने के लिए अनटिक करें। क्रॉप, क्रॉप उसी में आपका ऑप्शन है। सेलेक्ट किए हुए भाग को बचाने के लिए क्रॉप ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। क्रॉप की शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट एक्स है। किसी को सेलेक्ट कर क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप पे क्लिक करेंगे आपका उतना ही चित्र बचेगा जितना आप सेलेक्ट किए होंगे। कंट्रोल अंडू करेंगे इसको, कंट्रोल जेड से अंडू करेंगे। रिसाइज, किसी इमेज की साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं रिसाइज से, जैसे कि हमको साइज को कम करना है तो कम कर सकते हैं, साइज भी कम हो जाएगा और जो MB KB वाली साइज होती है वो भी यहाँ से हम कम कर सकते हैं आसानी से। रोटेट से, रोटेट राइट 90 डिग्री पे जाएंगे, रोटेट राइट 90 अंश से किसी इमेज को राइट की तरफ से, इसमें देखो राइट का रोटेट राइट 90 डिग्री, राइट की तरफ से 90 डिग्री पर घुमा सकते हैं इसको, जो हम राइट की तरफ से 90 डिग्री पे घुमा सकते हैं, जितनी बार क्लिक करेंगे 90 डिग्री पे घूमेगा। रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, किसी इमेज को लेफ्ट की तरफ से 90 डिग्री पर घुमा सकते हैं इसको, जो है लेफ्ट की तरफ से घुमा सकते हैं और जो पहले बताया था राइट वाला उसको राइट की तरफ से घुमा सकते हैं, दोनों का काम। फिर उसके बाद है रोटेट 180 डिग्री, किसी इमेज को डाउन साइड की तरफ 180 डिग्री पर कर सकते हैं, यानी कि चित्र को पूरा हम उलट सकते हैं, 180 डिग्री का कोण बनाते हुए इस तरीके से हम कर सकते हैं।
वहीं से हम सही भी कर लेंगे। पहले वर्टिकल किसी वर्टिकल इमेज की को डाउन साइज की तरफ घुमा सकते हैं, ठीक। जैसे किसी इमेज को वर्टिकल करके डाउन साइड में घुमाना है, चित्र को हम सीधा पूरा उल्टा कर देंगे यहाँ से और फिर वहीं सीधा कर लेंगे, यानी कि ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर चला जाता है चित्र में। फ्लिप हॉरिजेंटल, किसी वर्टिकल इमेज को लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ घुमा सकते हैं, जैसे हमारा ये वर्टिकल इमेज है, इसको लेफ्ट से राइट की तरफ घुमा सकते हैं, इधर से इधर भेज सकते हैं, और जो इधर का होता है वो उधर का चला जाता है। इसको फिर क्लिक करेंगे फिर पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे डिफरेंट ड्राइंग टूल्स, जैसे कि इसमें पेंसिल है। पेंसिल से क्या होता है, ड्राइंग एरिया पर पेंसिल द्वारा कुछ भी लिख सकते हैं, ड्राइंग एरिया पर, जैसे कि यहाँ पे हमको कुछ भी लिखना है, जो हमको लिखना है वो लिख सकते हैं, जो हमको कोई चित्र बनाना है वो चित्र बना सकते हैं, ठीक है। फिल विद कलर, फिल विद कलर में क्या होता है, क्रिएट किए गए किसी शेप्स को कलर कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई शेप्स बनाया और इसमें कलर करना है, फिल विद कलर है, फिल विद कलर पे क्लिक किया, यहाँ से कलर चूज करेंगे जिस कलर से हम फिल करना चाहते हैं चित्र के अंदर का कलर, यहाँ से चित्र के अंदर का कलर फिल कर लेंगे। फिर टेस्ट कैनवास पर टेस्ट इंसर्ट अर्थात कुछ लिखने के लिए टूल का उपयोग किया जाता है, टेस्ट टूल का उपयोग, जैसे कि हमको कुछ लिखना है यहाँ पे तो हम आसानी से लिख सकते हैं, टेस्ट लिखेंगे उसको सेलेक्ट करके यहाँ से टेस्ट एरिया यानी कि डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार जो डिज़ाइन लगानी है यहाँ से हम लगा सकते हैं। उसके बाद में ओके पे क्लिक करेंगे तो जो नीचे का हमारा चित्र है वो बंद हो जाएगा, जो सिलेक्शन टेस्ट सिलेक्शन है वो ऊपर का व्हाइट कलर में दिखेगा, बाकी नीचे का चित्र हमारा बंद हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ट्रांसपेरेंट पे चेक रखते हैं ताकि दोनों नाम भी दिखे और टेस्ट भी दिखे। ये बोल्ड है, यहाँ से अक्षर को मोटे कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अक्षर को टेढ़े कर सकते हैं, अंडर। टेस्ट को कॉपी करने के लिए कॉपी का प्रयोग करेंगे, उसी को कट करना है तो कट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कट भी कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से वापस लाएंगे, फिर से कॉपी करेंगे, कॉपी किए गए मैटर को बार बार दोहराने के लिए पेस्ट का प्रयोग करते हैं, या कंट्रोल वी का प्रयोग करेंगे, या पेस्ट पर जाकर के क्लिक करेंगे। ये फॉन्ट फैमिली है, कंट्रोल से आप सेलेक्ट किया फॉन्ट को, यहाँ से फॉन्ट फिर यहाँ से फॉन्ट फैमिली यानी अक्षर की डिजाइन यानी फॉन्ट की डिजाइन को हम चेंज कर लेंगे यहाँ से। ये फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, देखो छोटा भी हो गया और बड़ा भी कर सकते हैं। ये बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, स्टिक थ्रू बीच में लाइन आएगी वर्ड के, स्टिक थ्रू से वर्ड के बीच में लाइन आएगी, अंडरलाइन से वर्ड के नीचे लाइन आएगी, इटैलिक है, ये बोल्ड है, अक्षर बोल्ड से बोल्ड होंगे। क्रिएट किए गए किसी भी शेप्स को इरेज द्वारा मिटा सकते हैं, इरेज ये रबड़ इसको बोलते हैं, इरेज द्वारा हम किसी भी शेप्स को मिटा सकते हैं। रबड़ को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस से आपकी इरेजर बड़ी हो जाएगी ताकि मिटाने में आसानी रहे, कंट्रोल पहने से इरेजर को छोटा भी कर लेंगे। अगर गलती से कोई दूसरा चित्र मिट गया, जैसे ये चित्र मिट गया तो इसको कंट्रोल चेक करेंगे वापस आ जाएगा। कलर पिकर, किसी फोटो से किसी रंग को चुनने के लिए इस टूल का उपयोग किया जाता है, जैसे कलर पिकर, कलर पिकर, कलर पिकर, जैसे हमको सेम ये कलर चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे ये कलर चुन लिया जाएगा यहाँ पर, अभी कलर कहीं भी हम कर सकते हैं दूसरे सेट पर। इस टूल का इस्तेमाल मैग्नीफायर, इस टूल का उपयोग फोटो को किसी भाग को बड़ा करके दिखने के लिए किया जाता है, मैग्नीफाई पे क्लिक करेंगे फोटो किसी भी भाग को हम बड़ा करके देख सकते हैं, मैक्सिमम पेंट में 800 देख सकते हैं और मिनिमम 12.50 जूमिंग, नॉर्मल 100 रखेंगे। ब्रश, अलग अलग तरह के ब्रश कैनवास पर ड्राइंग बनाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रश कई प्रकार के होते हैं, इसमें जो आपको ब्रश लेना हो यहाँ से ब्रश यूज कर सकते हैं, इसमें कई प्रकार के ब्रश हैं, ब्रश की साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं। साइज सेलेक्ट किए गए टूल्स की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस शॉर्ट की, या घटाने के लिए कंट्रोल माइनस के लिए टूल्स का उपयोग किया जाता है, जैसे साइज में हमको बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस
भाग को चुनेंगे वो भाग बड़ा हो जाएगा। जैसे हम कोई शेप से चुनेंगे या ब्रश चुनेंगे, ब्रश की भी साइज को बड़ा कर लेंगे और यहाँ से भी हम बड़ा कर सकते हैं इसको। जैसे ये चित्र बनाया, इसको कंट्रोल प्लस करते चले जाएंगे, साइज बड़ा होता चला जाएगा। कंट्रोल माइनस कर देंगे, साइज कम हो जाएगा। कलर ग्रुप, यहाँ से जैसे हम कोई भी चित्र बनाएंगे उसके आउटलाइन को, फिल को कलर कर सकते हैं। एक कलर पैलेट है आपका, इसमें से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं जिस कलर से हम कलर करना चाहते हैं। कलर टू बैकग्राउंड कलर स्टूल, ये जो कलर टू है ये आपका बैकग्राउंड कलर है। जैसे हम इरेज करेंगे या कट करेंगे तो बैकग्राउंड कलर आपका कौन सा आएगा, रेड, जो यहाँ पे आप लगाएंगे वही आएगा। इसीलिए हम व्हाइट लगाते हैं ताकि बैकग्राउंड कलर व्हाइट आए। एडिट कलर, एडिट कलर में जाएंगे, यहाँ से कलर को एडिट कर सकते हैं। अगर कलर हल्का चाहिए तो हल्का कर लेंगे यहाँ से, अगर गाढ़ा चाहिए तो गाढ़ा कर लेंगे। कलर सॉल्व में बन के आएगा कलर, इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में व्यू मेनू में जाएंगे, व्यू मेनू में जूम, जूम ग्रुप है, जूम इन, जूम इन के शॉर्ट क्या होते हैं, पेज अप कंट्रोल पेज अप। पिक्चर को जूम इन करने के लिए यानी पिक्चर को बड़ा करने के लिए, फोटो को बड़ा करने के लिए इस टूल का उपयोग किया जाता है। ये हमने अभी बताया था कि पेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जूम कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं, 800 से ज़्यादा जूम नहीं कर सकते हैं, और मिनिमम कम से कम कर सकते हैं 12.50, इससे ज़्यादा नहीं कर, इससे कम नहीं कर सकते हैं। जूम आउट से पिक्चर जूम आउट करने के लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता है। जूम आउट का, जूम आउट से पेज को छोटा कर सकते हैं, चित्र को छोटा कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट चित्र बड़ा हो या छोटा हो उसको डायरेक्ट हम 100% या नॉर्मल साइज क्लिक कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल कर दिया, 100 पे कर दिया तो नॉर्मल आपका हो गया। सो और हाइट का प्रयोग कैसे करेंगे, रूलर पेंट में विंडो, पेंट के विंडो में रूलर को दिखाने के लिए चेक बॉक्स को चेक करते हैं। इस बॉक्स को चेक करते हैं तभी आपका रूलर आ जाता है। रूलर की शॉर्ट की कंट्रोल आर है, कंट्रोल आर से लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। यहाँ इसको अनचेक करेंगे। ग्राइड लाइन, पेंट के विंडो में ग्रिड लाइन, ग्राइड लाइन दिखाने के लिए चेक बॉक्स को चेक करें और छुपाने के लिए अनचेक करें। यानी कि इसको दिखाने के लिए चेक करेंगे, देखो ग्राफ लाइन आ गई, इसको छुपाने के लिए अनचेक कर देंगे। स्टेटस बार में क्या होता है, पेंट के विंडो में स्टेटस बार को दिखाने के लिए अनचेक करें। स्टेटस बार एमएस पेंट कि स्क्रीन में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के ठीक नीचे होता है, हमने पहले ही बताया है कि ठीक नीचे होता है स्टेटस बार। इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, छुपा भी सकते हैं, यहाँ से शो भी करा सकते हैं। फुल स्क्रीन, पिक्चर को पूरे स्क्रीन पर देखने के लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता है। इस टूल पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पे आ जाए, कहीं भी क्लिक कर देंगे, फिर पहले से थंबनेल। इस ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा पेंट लार्ज साइज में होता है। इस ऑप्शन के द्वारा लार्ज साइज में किए जा रहे कार्य को नॉर्मल साइज में देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखें। धन्यवाद।